सह्याद्री के रौद्र रूपी पहाड़ों में एडवेंचर करना मतलब लाइफ टाइम ये एक्सपीरियंस अपने साथ रखना। ये है महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग एंड थ्रिलिंग एडवेंचर एक्टिविटी, जीवदन फोर्ट, वानरलिंगी पिनाकल, वैली क्रॉसिंग एंड रैपलिंग। आज का ये एडवेंचर हम करने वाले हैं सह्याद्री एडवेंचर्स के साथ, और ये थ्रिलिंग एक्टिविटी का कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा विद सम अमेजिंग ड्रोन शॉट्स एंड थ्रिलिंग पीओवी शॉट्स। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। बहुत ज्यादा डर लग रहा है सोन, मजा भी उतना आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है जीवदन फोर्ट और यह है वानरलिंगी पिनाकल। यहाँ से तो काफी छोटा दिख रहा है पिनाकल दोस्तों, बट लिटरली बहुत ह्यूज पिनाकल है। और ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट से ये पिनाकल के टॉप तक हम लोग करेंगे जिप लाइन, एंड देन ये पिनाकल रैपल करके हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ से ट्रेक डाउन करेंगे। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, काफी थ्रिलिंग होने वाला है, काफी सारे थ्रिलिंग शॉट्स के साथ, सुंदर ड्रोन शॉट्स आप ये वीडियो में एंजॉय करने वाले हो। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है दोस्तों, दोपहर के 12 बज रहे ऑलमोस्ट। जीवदन फोर्ट मुंबई से अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर और पुणे से अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर की दूरी पर है। घाटघर विलेज ये फोर्ट का बेस विलेज है। बेस विलेज में आपको खाना, नाश्ता, कैंपिंग फैसिलिटीज और वॉशरूम फैसिलिटीज मिल जाएगी। बेस विलेज से जीवदन फोर्ट के टॉप तक पहुंचने के लिए आपको 3 घंटे का ट्रैक करना होता है, जो एक इजी टू मीडियम ग्रेड का ट्रैक है। अभी दोपहर के 12 बज रहे दोस्तों, एकदम खतरनाक धूप निकली है, अक्टूबर हीट चालू है, बट स्टिल धूप इतनी चुभरी नहीं है, बिकॉज एकदम खतरनाक हवा चालू है सुबह से, इसलिए धूप चुभरी नहीं है, बस थोड़ा गर्म हो रहा है। बट यहाँ पे अभी पानी है, और ऑन द वे आपको बहुत जगह पे पानी मिलेगा। फोर्ट के ऊपर भी पीने लायक पानी है, ये ऑन द वे वाला पानी पीने लायक तो नहीं है, बट मुंह एंड ऑल के ऊपर मारने के लिए एकदम मस्त है, एकदम फ्रेश लगता है। वेल दोस्तों, अभी यहाँ से प्रॉपर डेंस फॉरेस्ट वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो चढ़ाई है वो थोड़ी स्टीप है, तो थोड़ा हफने होता है दोस्तों, बट यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है तो एकदम ठंडक मिलती है। बोलू ना काका, मी इथलाच आहे, इकडेच आहे, दररोज वरखाली करता, गाइड आहे, गाइड आहे दररोज वरखाली, दिवसातून दोन वेळा। वय काय तुमचं? 71। 71। हम लोग का दोस्तों यहाँ पे हफने हो रहे हैं, हम लोग थोड़ा ब्रेक ले के आ रहे हैं, और अंकल दिन में दो तीन बार ऊपर नीचे करते हैं। सोचने वाली बात है, हम लोग सिटी वाले लोग जल्दी मरेंगे। चांगला है कुठला? कड़ी पत्ता है, भरती है, भरपूर है, सगळं जंगल भरलं। चला आता, चला भेटूया। जीवदन फोर्ट का ट्रैक रूट वेल मार्क्ड है, बिकॉज वीकेंड को यहाँ बहुत सारे लोग विजिट करने आते हैं। यहाँ का फॉरेस्ट काफी डेंस है, तो अगर आप एक बिगनर हो तो बेस विलेज से कोई ट्रैक गाइड आपके साथ लेना मैं सजेस्ट करूंगा। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों 5-10 मिनट में ये फोर्ट का जो स्टेप्स वाला पोर्शन है वहाँ पे पहुंच जाएंगे। स्टेप्स वाला जो पोर्शन है वहाँ से वानरलिंगी पिनाकल का व्यू एकदम मस्त दिखता है, और एक बार स्टेप्स लगने के बाद ज्यादा कुछ ऐसा ट्रैक नहीं है, स्टेप्स के सारे हम लोग फोर्ट के ऊपर इजिली पहुंच सकते हैं। बस एक थोड़ा सा थ्रिलिंग पोर्शन है जो मैं आपको ये ब्लॉग में आगे दिखाऊंगा। अभी हम लोग फोर्ट का जो स्टेप्स वाला पोर्शन है वहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बैठ के 5 मिनट रेस्ट करेंगे। यहाँ पे अंकल हम लोग को मस्त नींबू पानी और छाछ बना के दे रहे हैं, और यहाँ से अभी और लाइक 30 मिनट का ट्रैक है, नॉर्मल ट्रैक है, प्रॉपर स्टेप्स के सारे हम लोग ये फोर्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे, और यहाँ से आप वानरलिंगी पिनाकल का व्यू देख सकते हो।
देख सकते हो ये है वानरलिंगी पिनाकल, ये है जीवधन फोर्ट और यहाँ से मतलब ये जो पोर्शन है वहाँ से जिपलाइन करके हम लोग ये पिनाकल के एकदम टॉप पे जाएंगे और वहाँ से रैपलिंग करके नीचे आएंगे। और ये है जीवधन फोर्ट और ये स्टेप्स के सारे अभी ऑलमोस्ट 30 मिनट से सीधा हम लोग फोर्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर है महाराष्ट्र स्टेट का नेशनल एनिमल रेड जायंट स्क्विरल, कहाँ पे गया अभी दिख रहा था, हाँ ये देखो आप देख सकते हो जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख सकते हो रेड जायंट स्क्विरल कितना बड़ा, इधर से मतलब इतने दूर से इतना ह्यूज लग रहा है स्क्विरल, तो पास जाने का कितनी मोटी अस्थिर रही है अब अंदाजे अच्छी अंदाजे एक तीन ते चार किलो वजन असतं, हां कुत्र्यापेक्षा लहान असतं आपला मांजर, पूर्ण वाढ झालेले मांजरी एवढं। अच्छा किशोर दादा, किशोर तडवी, इनका एज गेस करो दोस्तों, इनका एज है 65 और दादा फुल ट्रैकिंग करके अभी ऊपर जा रहे हैं जिप लाइन और रैपलिंग करने के लिए। आप भीती वट्टे फ्रैंक दोस्तों अभी से मुझे थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज जो हाइट है पिनाकल का काफी मतलब ह्यूज पिनाकल है और मतलब डेप्थ आप देखोगे ना व्लॉग में आपको आगे दिखेगा बहुत ज्यादा डेप्थ है। टू बी फ्रैंक मुझे अभी डर लग रहा है, देखते आगे जाके कितनी वजन असल अंदाज है सा 20, अरे रास्ता माँ कसम दोस्तों दोनों में ये कम से कम 20-25 केजी। और ये भारत दादा दो बार नीचे से ऊपर है, मतलब जहाँ से हम लोग नीचे आते हैं पिनाकल से वहाँ से ऊपर दो बार। वेल दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जीवधन फोर्ट का कल्याण दरवाजा, मेन एंट्रेंस है फोर्ट का। और अगर आपको प्रॉपर ब्लॉग देखना है दोस्तों जहाँ पे मैंने बताया कि ये फोर्ट के ऊपर कैसे आते हैं, यहाँ का ट्रैक रूट एंड ऑल, कौन सा बेस विलेज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आई बटन में मेरा पुराना ब्लॉग देख लेना जीवधन का, मैंने ए टू जेड सारी चीजें कवर की है दोस्तों। ये जो ब्लॉग है ये ब्लॉग में मैं मेनली कवर करूंगा जिप लाइन और रैपलिंग, तो इसके लिए ये ब्लॉग देखना, यहाँ पे कैसे आना है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो आई बटन पे क्लिक करना, आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा। जीवधन फोर्ट ट्रैक इतना कुछ ऐसा डिफिकल्ट ट्रैक नहीं है, प्रॉपर ट्रेल के ऊपर मार्किंग्स एंड ऑल एकदम प्रॉपर है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। ये है जीवधन फोर्ट का एक लोता स्लाइटली डिफिकल्ट पैच, शिवकालीन एरा में ये पोर्शन पे वेल कार्व स्टेप्स थे बट ब्रिटिशर्स ने ये फोर्ट कैप्चर करने के बाद ये रॉक स्टेप्स बारूद के धमाके करके कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर डाले। ये धमाकों के बावजूद भी आप देख सकते हो आज भी ये किले की रॉक कंस्ट्रक्टेड वॉल्स कितनी शान से खड़ी है। अभी ये पोर्शन चढ़ के हम लोग पहुंच चुके हैं कल्याण दरवाजा के पास और आप देख सकते हो हम लोग को मिले कार्तिक भाई 2 साल के बाद। अगर मेरे आप पुराने सब्सक्राइबर हो दोस्तों तो कार्तिक को आपने मेरे कई सारे वीडियो में देखा रहेगा और सबसे यादगार वीडियो मतलब कौन सा बता मलंगढ़ एकदम परफेक्ट गेस किया दोस्तों, मलंगढ़ में था कार्तिक मेरे साथ। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जीवधन फोर्ट के टॉप के ऊपर दोस्तों, आप देख सकते हो व्यू, वो जो मेरे एग्जैक्टली बैक साइड दिख रहा है वो है नाना सा अंगठा, नाने घाट का एंडिंग वाला पोर्शन। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो स्पॉट जहाँ से हम लोग जिप लाइन करके वानरलिंगी पिनाकल के ऊपर जाएंगे और वहां से फिर हम लोग रैपल करके लाइक पिनाकल के टॉप से रैपलिंग करके नीचे जाएंगे। हाँ टू बी फ्रैंक दोस्तों अभी से ही थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज इतना ह्यूज पिनाकल है और वैली क्रॉसिंग का जो डेप्थ है वो भी अप्रोक्सीमेट लाइक 400-450 फीट का अप्रोक्सीमेट हाइट रहेगा और पिनाकल का भी अप्रोक्सीमेट वही हाइट है, एग्जैक्ट जो हाइट है वो आगे जाके दाल से पूछते हैं। लेट्स सी। ये जिपलाइन का एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला था, मैं एक्साइटेड तो जरूर था बट एक्साइटमेंट के साथ साथ उतना ही डर भी लग रहा था। अप्रॉक्सीमेटली 400 फीट की ऊंचाई पे जिप लाइन करना सोच के ही दिल की धड़कन तेज हो रही थी।
दोस्तों अभी मैं आपको वानरलिंगी सुलका का व्यू बताता हूँ। आप देख सकते हो यह है द वानरलिंगी सुलका और ये जो रोप है ये रोप के सहारे हम लोग ये कम्प्लीट जो वैली है क्रॉस करेंगे और वो साइड जाएंगे। मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी फिलहाल हार्नेस नहीं पहना। हार्नेस पहनने के बाद मैं आपको पूरा नीचे का व्यू बताऊंगा। पिनाकल कम्प्लीट डिसेंड करके हम लोग नीचे जाएंगे। बहुत ज्यादा डर लग रहा है दोस्तों, अभी से मेरे हार्ट बीट एकदम फास्ट हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा स्टिक लंबा करके बताता हूँ। जैसे जैसे दोस्तों मैं रेडी हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा हार्ट बीट फास्ट हो रहे हैं। लेट्स सी, डेप्थ बहुत ज्यादा है ना। कितनी असली खाड़ी आई डेप्थ? 350 फुट यानी छोड़ के छे। ओके, तो जो जो जिप लाइन करने वाले हैं उसका जो हाइट है वो 400 फीट है और पिनाकल का हाइट 350 फीट। एंड नाउ इट्स माय टर्न दोस्तों, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। दीपक दादा सेकंड कर। बहुत ज्यादा डर लग रहा है सोर, मजा भी उतना रे। यहाँ हवा में रोप और हार्नेस के जरिए लटकने का एक्सपीरियंस मैं मेरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। इट वॉज समथिंग रियली रियली ऑसम एंड ब्रेथ टेकिंग। पहले तो मैंने सोचा था कि जिपलाइन करते समय मैं नीचे देखूंगा ही नहीं, बट ऐसा अनुभव जिंदगी में रोज रोज थोड़ी ना मिलता है, इसलिए थोड़ी हिम्मत करके मैंने नीचे देखा और नीचे देखते ही मेरे हार्ट बीट्स गए ऊपर और मेरा ब्लड प्रेशर गया नीचे। बट जो भी हो बहुत मजा आया। वेल दोस्तों अभी हम लोग वानरलिंगी पिनाकल के एकदम टॉप के ऊपर बैठे हैं। सामने एग्जैक्टली सनसेट हो रहा है, काफी खूबसूरत व्यू है दोस्तों। बैक साइड यहाँ पर घोड़े पानी नाल एंड ऑल कंप्लीट व्यू है और अभी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। ये है शैलेश भाई, थोड़े टाइम में प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा तो हम लोग को सेफली जाना है नीचे। सेफ्टी में हूँ मैं। लॉक किल दादा, ओके दादा।
आई नो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि कोई कोई फुटेज में मस्त ग्रीनरी है और कुछ फुटेज में घास कम्प्लीटली सूख गया है। वेल, मैंने ये सेम एडवेंचर एक्टिविटी 3 हफ्ते पहले की थी और तभी अच्छी खासी ग्रीनरी भी थी, बट तभी रैपलिंग करते समय मेरा गोप्रो हुआ था खराब और मैं गोप्रो के पीओवी शॉट्स नहीं ले पाया। और रैपलिंग करते समय अगर पीओवी शॉट्स नहीं लिए तो क्या ही मज़ा। ये वीडियो अपने चैनल के ऊपर हमेशा रहने वाला है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आराम से फिर से शूट करता हूँ और ये पीओवी शॉट शूट करने के लिए आज मैं फिर से आया हूँ। और इसीलिए दोस्तों, कुछ फुटेज जो है वो 3 हफ्ते पहले की है और कुछ फुटेज है जो आज की है। अभी आप ये गोप्रो के पॉइंट ऑफ व्यू शॉट एंजॉय करने से पहले पिनाकल रैपलिंग के मस्त ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ है और कहाँ अंधेरा हो चुका है, इसके लिए ठीक से दिख रहा तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वेल दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर देना, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स। मेरे चैनल के ऊपर आप नए हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। सो विद दैट बिंग सेड, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।